सो हेलो स्टूडेंट, ANM GNM के प्राइवेट कॉलेजेस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी बन जाता है, ठीक है। अगर आप फिर से JCEC के ANM और GNM के एग्ज़ाम 2023 में देना चाहते हो तो अगर उस तो उन लोगों के लिए मैंने प्रिपरेशन के लिए एक न्यू बैच रिलीज़ करा है। वो बैच में सेपरेट टीचर्स रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, तो आपको न्यू बैचेस के लिए ये जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। एंड फाइनली आज बात करेंगे झारखंड के ANM GNM एग्ज़ाम जो हो चुके थे उनका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस भी हो चुका है कंप्लीट, अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है एंड एडमिशन भी रिगार्डिंग दिस होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो मैंने टोटल स्टूडेंट के कितने मतलब टोटल स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर दिए हुए, ठीक है। मैं नीचे जाके दिखा रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट को एडमिशन हो रहा है फर्स्ट राउंड से, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में यहाँ देख सकते हो तो 405 स्टूडेंट का जो एडमिशन जो होने वाला है, ठीक है। टोटल 405 स्टूडेंट, ठीक है। तो एडमिशन बेसिकली होने वाला है। तो जिनका जिनका नेम नहीं आया क्या रीज़न हो सकता है एंड क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना एंड उन लोगों को शेयर कर देना जो जो फिर से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, तो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 405 एंड स्टूडेंट हो चुके हैं, उसके अलॉटमेंट लेटर फाइनली आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर नेम तो बहुत सारे नेम तो पढ़ नहीं सकते हम लोग किसको किसको किस रिगार्डिंग में कोर्सेज मिले हैं, बट हम लोग GNM के यहाँ पर देख सकते हैं GNM के कितने सीट्स यहाँ पर अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो GNM के यहाँ देख सकते हो यहाँ तक हुआ अलॉट, जो कि लास्ट अलॉटमेंट लेटर है फीमेल का, दैट इज़ श्यामोश्री मलिक, एंड 49 सीट अलॉट हुए, ठीक है। GNM में 49 सीट्स अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो GNM में सीट्स तो बचे रहने चाहिए, और नीचे आते तो और भी सीट्स हैं यहाँ पर GNM के, देख सकते हो और भी GNM के सीट्स अराउंड लग रहा है हमको जिस अनुसार से कि इस बार फर्स्ट राउंड में GNM का सीट फुल हो चुका है, ठीक है। ANM के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। ANM के सीट फुल हुए हैं या नहीं तो उनको भी लेकर इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सीट्स अगर फुल हो जाते तो काउंसलिंग नहीं होगा, ठीक है। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों का काउंसलिंग सेकेंड राउंड में होगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा ANM GNM का वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ANM एंड GNM सेकेंड राउंड, ठीक है। सेकेंड राउंड कब स्टार्ट होगा, तो बेसिकली सेकेंड राउंड जो स्टार्ट होगा जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ठीक है। तो 31 अक्टूबर को एडमिशन इन लोगों का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 31 अक्टूबर को एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जिसका इसका अलॉटमेंट लेटर आ गया है 31 अक्टूबर के अंदर जाके एडमिशन करवा लीजिए। अगर आप नहीं करवाते हो तो आपका जो एडमिशन ऑटोमेटिकली से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो जाने के बाद फिर से आप एडमिशन नहीं करा सकते उस प्रोविजनल लेटर के थ्रू। तो उसके बाद अगर मान लो 405 स्टूडेंट का सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, बट उनमें से ओनली 380 स्टूडेंट ने एडमिशन कराया, बाकियों को लगा कि मुझे नहीं कराना चाहिए, मैं कुछ दूसरा कोर्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कितने सीट्स बचे, अराउंड 25 सीट्स बचे, ठीक है। तो 25 सीट्स बचे तो इन लोगों के लिए सेकेंड राउंड का सीट क्या कहते हैं सेकेंड राउंड का जो है वो होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा, अगर सीट बचे तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा और नहीं बचे तो नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं। और एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो ऑलरेडी प्रोविजनल लेटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोविजनल लेटर को चेकआउट कर लेना, ठीक है। प्रोविजनल लेटर में एक नंबर दिया होगा नोडल ऑफिसर का, बेसिकली वो उन लोगों का नंबर रहता है जो वहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक है, एंड आपके एडमिशन वो करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है सारा डिटेल। अभी जिसको भी डाउट रहता है तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी अपकमिंग अपडेट के लिए। और मैं बताता चाहता हूँ 2023 बैच ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है। 23 ANM GNM बैच अगर आप 2023 में फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पर ये नंबर पे मैसेज करना, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर लिख दे रहा हूँ, ये नंबर पे आपको मैसेज करने हैं, ठीक है। ये नंबर पे मैसेज करने के बाद आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 2023 बैच में फिर से एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ANM और GNM दोनों के लिए। तो मिलते हैं नए और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।